अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग आर्ट विद रानी यूट्यूब चैनल में हम आपको करते हैं वेलकम। तो शुरू करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा खुश खुर्रम और शादाबाद रखे, आमीन। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आज हम बना रहे हैं लिक्विड चॉकलेट, वो भी सिर्फ तीन चीज़ों के साथ। चॉकलेट सबकी फेवरेट होती है और स्पेशली बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, और अगर आप इसको अपने घर में बनाएं तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले हमने लिया 1/4 कप कोको पाउडर, 1/3 कप चीनी, और इसके साथ हम डालेंगे 2 कप दूध के, क्योंकि चॉकलेट में जो बेस है वो हमारे दूध है। जितना अच्छा दूध होगा उतनी ही अच्छी आपकी लिक्विड चॉकलेट बनके तैयार होगी। तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है चूल्हा जलाने से पहले। मिक्स इसलिए करना है ताकि हमारे कोई भी इसमें गुठली ना हो, बहुत स्मूथ सा प्यारा सा इसका टेक्सचर बन जाए। तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कुक करना। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। ये लिक्विड चॉकलेट का बैटर हमारा बहुत अच्छा मिक्स हो गया। अब मैंने चूल्हा ऑन कर देना है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका बहुत ही स्मूथ क्रीमी शाइनी सा टेक्सचर तैयार ना हो जाए। लेकिन याद रखना है कि आपने इसमें मसल से चम्मच चलाते जाना है। ये मैंने फास्ट प्रोसेस पे स्टार्ट किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखें जैसे ये पकना हमारा स्टार्ट हो गया इसके ऊपर झाग आ जाएगी, लेकिन आपने इसका मसल से चम्मच चलाना है। चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है, आप ऐसे बनाएं तो अगर आप इसको कुक करने के बाद ज़्यादा थिक बनाएंगे तो आप इसको जमा भी सकते हैं मोल्ड में, बहुत अच्छी सी चॉकलेट हमारी रेडी हो जाएगी। जैसे आप केक बनाते हैं चॉकलेट केक, तो उसके ऊपर लिक्विड चॉकलेट हम उस पर डाल के बहुत अच्छे से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। चॉकलेट हमारी बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को लिक्विड चॉकलेट बनाना सिखा दूँ। तकरीबन अब मुझे इसको कुक करते 5 मिनट हो चुके हैं। जैसे 10 से 15 मिनट कुक होगा तो इसका टेक्सचर टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं तो ये बहुत स्मूथ बहुत शाइनी सी चॉकलेट हमारी रेडी होने जा रही है। साथ साथ हमें इसके चम्मच भी हिलाना है और साइडों से भी साथ साथ रिमूव करते जाना है। आज हमने रखनी है मीडियम टू लो, हाई हीट पे हमने इसको कुक नहीं करना। अगर आप मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरा ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आज वही हमने मीडियम टू लो रखनी है। ये स्पेशल रेसिपी तो मेरी बच्चों के लिए है, बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं लिक्विड चॉकलेट से। ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे कुक करते हुए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कितना इसका शाइनी सा टेक्सचर बन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये है लिक्विड चॉकलेट बनने वाली है। ये देखें जी माशाल्लाह से चॉकलेट कितनी स्मूथ कितनी क्रीमी इसका टेक्सचर हो चुका है। मुझे इतना ही इसको थिक रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाती है। चॉकलेट को बनाने में तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। बहुत ही स्मूथ बहुत ही क्रीमी बहुत ही शाइनी सा इसका टेक्सचर बन चुका है। तो अभी इस तरीके से लिक्विड चॉकलेट बनाए बहुत ही मज़े की बनेगी। आपकी होममेड चॉकलेट हर टाइम आपके पास अवेलेबल होगी। हमारी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है तो मैं अब आप इसको सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने एक बाउल लिया और इसमें मैं निकाल दूँगी।
अपनी सारी लिक्विड चॉकलेट देखें, ठंडा होने के बाद इसका थोड़ा और थिक बन गई है ये। देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी मज़े की लिक्विड चॉकलेट रेडी हो चुकी है। तो आप भी मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, इंजॉय करें।